हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स एडर। तो दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर्स जो है वो अपलोड करती रहती हूँ, और ये जो भी क्वेश्चंस है वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गो थ्रू दिस, और आप डेली अगर करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज के जो करंट अफेयर्स है वो है 21 जून के। तो आज क्या रहता है, आज इंटरनेशनल योगा डे रहता है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल योगा डे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। किस संस्थान ने शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है? तो यूनेस्को से कौन किस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को मान्यता प्राप्त हुआ है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो एनसीईआरटी के द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब ये वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन इजा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्था ने कोविड महामारी में के दौरान पीएम ई विद्या योजना के तहत आईसीटी का उपयोग किया है। डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से में पीएम विद्या का ई विद्या का कार्यक्रम शुरू किया गया। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट के अनुसार विश्व 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो हानेदा हवाई अड्डा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, कतार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही जवाब है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे है टोक्यो हानेदा हवाई अड्डा, उसके बाद सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट, उसके बाद कतार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, साउथ एशिया और इंडिया में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो बेंगलोर में स्थित है। तो जी हाँ, साउथ एशिया और इंडिया में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ माना गया। सरकार ने CAPF आसाम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%, 15%, 25%, 20%। इसका सही जवाब है 10%। तो सरकार ने CAPF एंड आसाम राइफल्स भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। आसाम पहला बड़ा खिताब 2022 के लिए US ओपन किसने जीता है? मैट फिट्ज़पैट्रिक, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, रोजर फेडरर। तो ऑलरेडी इन लोगों ने तो जीता है, तो फर्स्ट टाइम जो जीता है ये इसने जीता है, मैट फिट्ज़पैट्रिक, जो कि भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना? चीन, जापान, मेक्सिको, पाकिस्तान। चीन। तो भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बना है चीन। तो दोस्तों, चीन भारत में टूटे चावल के सबसे बड़े आयातक का अधिग्रहण करता है, जो अफ्रीकी देश था। तो पहले अफ्रीकी देश था, उनको टेक ओवर किया है चीन ने। महामारी के दौरान चीन ने भारत के टूटे चावल के सबसे बड़े आयातक के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है। चीन को 7.7% आयात किया गया है। सी
IWG 2022 के लिए 37 सदस्य एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा, हिमा दास, द्युति चंद, बबीता फोगाट। तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है 37 सदस्य एथलेटिक्स टीम को नेतृत्व करेंगे। 2 दिन पहले नीरज चोपड़ा को फिनलैंड में जो गेम्स चल रहे हैं वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है 89.30, और ये एक जैवेलियन थ्रोवर है। सिलेक्शन कमिटी ने टोटल 38 लोगों को सिलेक्ट किया है, उसमें से 37 लोग जो है वो 37 लोगों में से 18 लोग जो है वो लेडीज है, महिला है। स्टार स्प्रिंटर्स हिमा दास द्युति चंद ने महिलाओं के रिले टीम में अपना स्थान सुरक्षित किया है, और पुरुषों की टीम में अमूज जैकोब को सुरक्षित किया गया उनका स्थान। भारत ने पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया है? लद्दाख, सिक्किम, पंजाब, चंडीगढ़। सही जवाब है लद्दाख। तो लद्दाख में फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, ये क्वेश्चन हुआ है, भारत संविधान अनकही कहानी, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष कश्यप, अमिता सिंह, राम बहादुर राय रणवीर, राम बहादुर राय। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, भारतीय संविधान अनकही कहानी, और ये बुक को रिलीज किया है नरेंद्र मोदी ने। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कतार, भारत, स्वीडन, जर्मन। इसका सही जवाब है भारत। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जाएगा। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, गुजरात। तो पंजाब ने प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। केरला के सीएम जो है पिनाराई विजयन, और उसके जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद। तो केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि केरल प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करके प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जबकि राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान चलाएगा, और मुख्यमंत्री केरल लोकसभा के तीसरे संस्करण की समापन बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया गया। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका सही जवाब है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के स्टील फ्रिजेट आईएनएस तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष के उपलक्ष्य में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया है। तो 3 साल हुए, जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाजों पर हमलों और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संचालन कोड ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 21 जून, 30 मार्च, 5 जून। तो इसका सही जवाब है 21 जून। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह आठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। 2015 से ये शुरू है, और जी हाँ, अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जो है वो मैसूर में है, और पैलेस ग्राउंड में वहाँ पे योगा कर रहे ऑलमोस्ट 15,000 लोगों के साथ। और जी हाँ, इस साल की जो योगा की थीम है वो है मानवता के लिए योगा। और जैसे कि इस साल भी महामारी कोविड-19 जारी रही है, तो योग लोगों को ऊर्जावान और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली रखने में
मदद कर रहा है। तो इसीलिए योगा इज इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। किस आईटी संसाधन को महत्वपूर्ण सूचना अवर संरचना घोषित किया गया? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एनपीसीआई, सभी बैंक, ऑल ऑफ दिस। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एनपीसीआई। सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आईटी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक राम बहादुर राय है। ऑलरेडी डन विद दिस क्वेश्चन। कौन सा देश देशों के ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सीरिया। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बड़ी निगरानी के तहत पाकिस्तान देशों के ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू FATF, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर को फाइनेंस करने के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। हाल ही में किस बैंक ने एंजॉय किड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? एंजॉय किड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्मॉल एसबीआई बैंक। सही जवाब है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फादर्स डे के दिन एंजॉय करके एक योजना लॉन्च की है, जिस हिसाब से आप किड्स का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2022 एंड प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? दोस्तों, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई है, मैं बताना भूल गई। तो निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर। तो इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना कहाँ से शुरू हुई है? राजस्थान, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू हुई है गुजरात में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।